जिंदगी ने ठेका लिया है आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्या जिंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे भाई, चाहते आपकी है, ख्वाहिशें आपकी है, तो अगर उसको पूरा करना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अरे जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे जियो या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को दोष देना बंद करो और खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके पास में है। अपने दिमाग को सॉल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। बैठे बैठे बस रोते मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे भाई, अगर रोना आ भी रहा तो रो लो, मन को हल्का करो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनर्जी से बोलो, बस अब बहुत हो, अब मुझे आगे बढ़ो। अभी तो मैंने ठीक से जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा करना है और एक जगह पर फोकस करना है। और याद रहे, फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं। क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहे तो रास्ते से भटक जाओ, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा तो आज नहीं तो कल मंजिल को जरूर पाओगे। रास्ते में एक नहीं हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। अगर कभी थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लेना, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला कल आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रुलाए तो कभी डराएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं, बस चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे।